दोस्तों आज विजयदशमी है, जा रहे हैं मंदिर की तरफ। अभी प्रतिमा विसर्जन होगा, अब देखेंगे, मंदिर की तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी विजयदशमी है, आज माँ दुर्गा का विसर्जन होगा, जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी आरती वारती होगा, सिंदूर जो होता है माँ दुर्गा का वो खेला जाएगा, फिर हम चलेंगे, सिंदूर खेलेंगे, देखेंगे और फिर से विसर्जन देने ले चलेंगे। तो एक एक करके सब आ रहे हैं, अभी ज़्यादा कोई है नहीं, सुबह का टाइम है। বিজয়াদশমীর উপলক্ষে এখন তৈরি চলছে, এখন মাতা রানীকে মিষ্টিমুখ করানো হবে, সাথে সিঁদুর খেলা হবে। সবাই একে একে করে আসছে, দেখতে পাচ্ছেন, এখন সিঁদুর খেলা আর মিষ্টিমুখ করানো হবে, তারপর বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। বলো দুর্গা মাই কি। এখন সিঁদুর খেলা চলছে, সবাই এক এক করে সিঁদুর দিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। अभी सिंदूर खेला जा रहा है, अभी सब एक एक करके जो माताएं हैं वो माँ को सिंदूर लगा रहे, इसके बाद एक मतलब एक दूसरे को लगाएंगे। इसे बंगाली में सिंदूर खेला ना, सिंदूर खेला बोलते हैं, बट इधर नहीं खेलते। तो इधर जो सिंदूर होता है मांग में भरने का, वो माता जी को लगाया जा रहा है, उसके बाद एक दूसरे को लगाए जाएंगे। ये शायद सुहागन रहने के लिए होता है ना, सुहागन रहने के लिए होता है कि जो किसी को मतलब विधवा ना होना पड़े, सदा सुहागन रहे, सुहागन रहते हुए ही मतलब दुनिया छोड़ के जा सके, ऐसा ही कुछ नियम है। बाद बाकी हमारे गुरु जी है वो बताएंगे, बताइए किस लिए खेला जाता है, क्यों? माता रानी साल में एक ही बार आते हैं, तो क्या सब लोग आनंद पूर्ति करते हैं, इसलिए माँ अब जाने का समय हो गया माता रानी को, इसलिए मिठाई या सिंदूर लगा रहे माता आनंद और खुशी की। आनंद और खुशी प्रसाद महाभोग, दशमी का महाभोग है, बन रहा है चावल और दही बोला जाता है। और आप कुछ बोलना चाहोगे? इसे मिला के सबको फिर बांटा जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद नहीं है। Thank you.
बोलो दुर्गा माई की, 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 बोलो दुर्गा माई की।